यमते बुलेटि भये हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट भये हैं मीता, साकट उलट सुजन भय चीता, अब मोहि सर्व कुशल करी मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया, आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। बीच में पंक्ति और आगे इसमें, तनमह होती कोटि उपाद, उलट भई सुख सहस समाद, अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहें कबीर सुख सहस समावो, आप न डरो न और डरावो। यमते उलट भये हैं राम, अब जीवन में ऐसी घटना घटी कि यमराज उलट करके राम बन गए, इसलिए दुख विनस गया, सुख में विश्राम होने लग गया है। यमराज दुख देने वाला है, मारने वाला, बांधने वाला, तो जब तक यमराज है तब तक तो दुख रहेगा। राम बंधन छुड़ाने वाले, तारने वाले, सुख देने वाले हैं। यमराज कौन है जो राम बन गए, और कैसे बने? भारतीय जो पौराणिक धारा है, इसमें यमराज मृत्यु का देवता माना गया है। एक लोक है आकाश में, जिसे यमलोक कहा जाता है, वहां के व्यवस्थापक यमराज हैं। दुनिया में जिस प्राणी के जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है, यमराज अपने दूत भेज करके उन लोगों को अपने यमलोक में बुला लेते हैं, और जिसके जैसे कर्म होते हैं अच्छे बुरे, उठन से सुख दुख देते रहते हैं। एक धारणा है, मान्यता। वेदों में कहा गया, यम कौन? तो वेदों में उत्तर दिया गया है, जो इस धरती पर पहली बार मरा वो द्विलोक में जाकर के यम बन गया। अब पहली बार कौन मरा कौन बताएगा? कुछ उत्तर देना था, पूछा गया कि यम कौन, तो उत्तर देना था, तो कह दिया गया कि पहली बार जो मरा वो यम बन गया। लेकिन यम का अर्थ होता है मृत्यु का देवता, मारने वाला, दुख देने वाला,
कबीर साहब जिस समय अपनी बातें कह रहे थे उस समय यमराज की चर्चा काफी जोरों से चल रही थी और राम की भी चर्चा चल रही थी। जिस यम और राम की बात साहब कहते हैं वह यम और राम बाहर नहीं है, हमें दुख देने वाला, हमें भटकाने वाला, पीड़ा देने वाला बाहर कोई यम नहीं है, वह है हमारा ही अपना गंदा मन। हर व्यक्ति के लिए उसका अपना मन ही यमराज बनता है। कब? जब हम उससे गलत काम लेते हैं, गलत चिंतन करते हैं। तो गलत चिंतन करते करते विषय संस्कार पाते पाते मन यमराज बन जाता है। अब हर समय हमें परेशान कर हमारे साथ लगा हुआ है। आपके साथ जरा सोचें, आपके साथ सदा रहने वाला कौन है? आपका मन हर समय कहीं चले जाओ वही है। यदि मन गलत चिंतन में डूबा हुआ है, विकारों में डूबा हुआ है, मलिनता में लिपटा हुआ है, तो कहीं चले जाए सुख से जीवन जीना संभव नहीं होगा, क्योंकि मन यमराज बन गया है और आपको शांति से रहने नहीं देगा। लेकिन सौभाग्य से जब संत गुरुजन मिले, उनकी संगति मिली, उनकी साथ शिक्षा मिली, उनका उपदेश मिला और उस पर हमने ध्यान देना शुरू किया, उनके बताए रास्तों पर चलना शुरू किया, बताए कामों को करना शुरू किया, तो धीरे धीरे हमारा मन जो यमराज बना था वो राम बन गया, अच्छे चिंतन में लग गया, ज्ञान भक्ति विवेक विचार की चिंता करने लग गया। और जब गलत क्रियाओं को, गलत खान पान, गलत देखना सुनना सब छोड़ दिया, सही बातें सोचने लग गए, सही खाने पीने लग गए, सही और सब कुछ करने लग गए, तो मन निर्मल हो गया। और निर्मल मन से बड़ा राम कौन होगा? हमारा ही अपना गंदा मन शैतान है और यमराज है। हमारा अपना ही निर्मल मन भगवान है और राम है। मन वही है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो कहा गया है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। विकारी मन बंधन का कारण, निर्मल मन मोक्ष का कारण। पहले गलत दिशा में जा रहे थे, अब उधर से मुख मोड़ लिए, सही दिशा में चलने लग गए। दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन होते ही दशा परिवर्तन हो जाता है। दिशा जब तक नहीं बदलेंगे दशा नहीं बदलेगी। दशा बदलना चाहते हैं तो दिशा बदलना होगा। मानस की एक पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलटा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए।
कहते हैं कि वाल्मीकि का पहला नाम रत्नाकर था। जंगल में रहते थे, राहगीरों को लूटते थे और मार देते थे, और उनसे जो कुछ मिलता था राहगीरों के पास उससे और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण निर्वाह करते थे। एक बार सप्तऋषि मिले, उनसे भी कहा कि अपना दंड कमांडर रख दो। पूछा क्यों, क्या करते इससे? कहा कि इससे अपना परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि ये जो तुम गलत काम कर रहे हो, पाप की कमाई कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे? ये क्यों नहीं होंगे कि जा पूछ करके जाओ। पूछने गए तो माता पिता पत्नी बच्चों ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि तुम पाप करो। पाप करते तो तुम जानो, तुम्हारे पाप के भागीदार हम क्यों होंगे? तो चोट लगी, आकर के सप्तऋषियों के चरणों में गिर पड़े, मुझे सही रास्ता बताए। तो ऋषियों ने कहा कि तुम राम राम जपो तो। रत्नाकर ने कहा कि मैंने जीवन भर मारने का काम किया है, मैं ये नाम नहीं जप सकूंगा। तो ऋषियों ने कहा तुमने मारने का काम किया तो मरा मरा जपो, राम राम जपते जाओगे तो मरा मरा हो जाएगा, और मरा मरा जपोगे तो राम राम हो जाएगा, तुम्हारा मरा जपो। तो बाल रत्नाकर मरा मरा जपने लगे तो मरा मरा जपते जपते राम हो गया, होता गया, बस रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। उल्टा नाम राम का उल्टा है मरा। ये कहानी है समझाने के लिए, हकीकत यह है वाल्मीकि ने न उल्टा जपा न सीधा जपा। वाल्मीकि के जमाने में राम नाम जप का कोई प्रचलन ही नहीं था, वाल्मीकि जानते भी नहीं थे कि राम का नाम जपना चाहिए। पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देख लो, कहीं नहीं लिखा है कि राम का नाम जपना चाहिए। ये तो बहुत पीछे राम राम जपने का प्रचलन हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो आज से 1200 साल पहले भारत में राम का नाम कोई नहीं जपता था, जानते ही नहीं थे। भावुक लोग जो कहते हैं, भक्ति भाव वाले, तो गोस्वामी जी लिखते हैं राम का नाम सदा सदा से जपा जाता था, वेद भी राम राम जपते थे। वेद में तो राम का नाम ही नहीं, क्या जपेंगे, एक जगह आया है बस। तो आज से 1200 साल पहले पूरे भारत में न राम की पूजा होती थी न राम का नाम जपा जाता था, ये ऐतिहासिक लोग कहते हैं। राम का कोई मंदिर भी नहीं था 1200 साल पहले। पीछे कोई जो भी हो चलो, मतलब नहीं है। तो उल्टा नाम वाल्मीकि ने उल्टा सीधा कुछ नहीं जपा। और राम का जो नाम है, जो मरा मरा कह सकता है वो राम राम भी कह सकता है। कसाई से कसाई भी राम राम कह सकता है, जीभ काम कर रही हो बस, गूंगा ना हो, राम राम क्यों नहीं जप सकता। एक कहानी, उल्टा नाम का मतलब क्या है? पहले रत्नाकर मारने का काम करते थे, हिंसा करते थे, अब अहिंसक रास्ते पर चल गए, ये उल्टा नाम है। पहले क्रोध करते थे, अब क्षमा करने लगे, उल्टा हो गया। क्रोध को उल्टा क्या है? क्षमा। क्षमा को उल्टा है क्रोध। पहले प्रेम कर बैर करते थे, अब प्रेम करने लग गए।
पहले मारने का काम करते थे, अब दया और सेवा का काम करने लग गए। पहले वासना में डूबे थे, अब उपासना में लग गए। पहले भोग में लगे थे, अब योग में लग गए। उल्टा हो गया, ये उल्टा नाम जपना है। पहले गलत काम करते थे, गलत काम, गलत को उल्टा क्या है, सीधा। पहले सीधा काम करने लग गए, उल्टा नाम कर दिया है। जिस रहन सहन से, जिस खान पान से, जिस बात व्यवहार से, जिस आचरण से, जिस चिंतन से दुख मिलता रहा, उस सबको छोड़ करके ऐसे रहन सहन अपना लिए, ऐसे खान पान करने लगे, ऐसे बात व्यवहार कर्म आचरण और सोच चिंतन करने लगे जिसे सुख मिले, उल्टा नाम हो गया। दुख से सुख की ओर की जो यात्रा है, ये उल्टा है। दुख का उल्टा सुख, ये उल्टा नाम जपना है। और रास्ता यही है। तो यमते उलट भये हरा, यम उलट करके नाम बनता है। कैसे? रास्ता बदल देने से। पहले संसार की तरफ दौड़ रहे थे, अब वहां से हट करके सन्मार्ग की तरफ लग गए, तो यमराज राम बन गए। इसके लिए निश्चित है संतों की संगति चाहिए। ऐसे स्वाध्याय जो सदग्रंथ हुए हैं उनका स्वाध्याय चाहिए, और सत्कर्म चाहिए। बस यम राम बन जाएगा। न राम हमें तारने वाला राम कोई बाहर है, और न हमें मारने वाला कोई यमराज बाहर है। हमारा ही मन हमें दुख देता है, हमारा ही मन हमें सुख देता है। क्योंकि मन ही तो मूल है ना, हर काम में मन ही मूल है। धम्मपदम में जो पहली गाथा है, उसका जो पहला वग्ग है यमक वयज्ञो, उसमें पहली दूसरी गाथा में तथा बुद्ध ने यही बताया है ना, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा तपदुठेन भासति वा करोति वा ततोनम दुख मनवेति चक्कम वा वहतो पदम। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पसत्सेन भासति वा करोति वा ततोनम सुख मनवेति छाया वा अनपायनी। ये दोनों गाथा एक ही जैसी है, बस बीच की पंक्ति में अंतर है। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, हर कर्म में मन पूर्वगामी है, आगे आगे चलने वाला। बिना मन के हम कुछ नहीं कर सकते। बिस्तर से इस हाल तक आने में पहले आपका पैर चला है कि पहले मन चला है? पहले जब पैर चलना शुरू कर दिया होगा तब आपने सोचना शुरू किया क्या? पहले सोचे आप, तब पैर से गति हुई। बिना सोचे पैर में गति नहीं होगी। तो मनोपुब्बंग, हर काम में मन पूर्वगामी है। मनोसेठा, मनो श्रेष्ठ है। मन जो है श्रेष्ठ है, महान है, बलवान है। मनोमय, जितने भी हमारे कर्म है सब मनोमय है, मन से ही उत्पन्न होने वाले हैं, मन मूल है। मनसा च पदुठे न भासति वा करोति वा, जब आदमी मन में प्रदुष्ट भावना, गलत भावना लेकर के काम करता है और गलत भावना लेकर के बात बोलता है, तो होता क्या है? ततो नम दुख मनवेत, उसके पीछे दुख उसी प्रकार चलता है जैसे चक्कम व वहतो पदम, गाड़ी में जुते हुए बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। गाड़ी में बैल जुते हुए हैं, गाड़ी में बोझा लदा है, बैल गाड़ी के बोझा को ढो रहे हैं। अब बैल के पैर के पीछे ही पहिया है, जरा से जमीन फितलती है पहिया पैर जाकर को रगड़ देता है।
एक तो बोझा भी ढो रहा है और पैर को पहिया भी रगड़ रहा है। गलत भावना रख करके बात करेंगे, गलत भावना रख करके काम करेंगे तो दुख वैसे चलेगा हमारे पीछे। लेकिन मनसा च प्रसन्न भासति वा करोति वा, मन में जब प्रसन्न भावना रख करके, अच्छी भावना रख करके बात करेंगे और कर्म करेंगे तब क्या होगा? ततो नम सुख मनवे, तब उसके तब पीछे पीछे सुख चलेगा। कैसे? छाया व अनपानी, जैसे छाया, हमारी छाया हर समय हमारा अनुकरण करती है। हम जहां जाते हैं छाया, कभी हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती। इट कहा गया अनपायनी, सदा रहने वाली स्थिर। जो व्यक्ति मन में अच्छी भावना रख करके बात करता है और अच्छी भावना रख करके काम करता है, उस आदमी के पीछे शाश्वत सुख, स्थिर सुख उसी प्रकार घूमता है जैसे उसके पीछे उसकी छाया चलती है। छाया चल रही है, हमें पता भी नहीं चलता, ऐसे ही होता। जब मन में हम अच्छी भावना रखते हैं तो मन राम बन गया, मन में गलत भावना रखते हैं मन यम बन गया। यही है यमते उलटी भये हैं राम, यमराज का राम बन जाना। और जब यमराज राम बन गए तब क्या हुआ? विकारी मन निर्विकार बन गया, मलिन मन निर्मल बन गया, तब हुआ क्या? दुख विनसो सुख कियो विश्राम, दुख खत्म। क्योंकि मन में कोई विकार ही नहीं है, मन में विकार नहीं तो जीवन में विकार नहीं है। और विकार ही नहीं है तो दुख नहीं है। दुख का कारण मन के विकार। अब एक दुख वो होता है जिस आदमी के पास भरपूर मेहनत करने के बाद भी भरपेट खाने को ना मिल ना हो, वो दुख। तो ऐसा दुख किसी किसी के पास हो सकता है। पूरी मेहनत करने के बाद भी जैसे शरीर ढकने के लिए एक कपड़ा भी ना मिल पाता हो, वो दुख। दर्दता का जो दुख है वो अलग दुख है। और ऐसे लोग आज के जमाने में बहुत थोड़े होंगे, नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। आज की स्थिति में कई ऐसे देश हैं जहां भयंकर भूखमरी और गरीबी है। दक्षिण अफ्रीका के देशों में के बारे में पढ़ो तो पता चलता है कैसी कैसी गरीबी वहां, कैसे कैसे एकदम भयंकर भूखमरी फैली हुई है। लेकिन अधिकतम लोगों की हालत ऐसी नहीं है, सब पर्याप्त खाने को है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को जगह है, फिर भी दुखी है। क्यों? उस तब कारण बाहर नहीं है, भीतर है। और भीतर क्या है? मनोविकार। जितना मनोविकार होगा उतना दुख होगा, जितना विकार कम होंगे दुख उतना कम होगा। कौन कहता है कि दुख है और निर्मल मन, कौन कहता है कि दुख है और मन निर्मल नहीं, ऐसा कोई गुरुदेव की विमता है? दुख तो है और मन में विकार नहीं है, ये कहना गलत है। कोई कह रहा भाई मेरे मन में तो कोई विकार नहीं है और दुख है, झूठ है। बिना विकार के दुख हो नहीं सकता है। जब कोई चीज कहीं सड़ती है तभी वहां से दुर्गंध आती है, कहीं गए और दुर्गंध आ रही है बड़ी तेज, इसका मतलब है वहां कोई चीज सड़ रही है। बिना सड़न के दुर्गंध नहीं आएगी। दुर्गंध मिटाना चाहते हैं तो सड़ी हुई चीज
कि खोज करनी होगी, उठाकर फेंकना होगा, फिर सफाई करो, दुर्गंध मिट जाएगी। दुख दुर्गंध है, विकारों के सड़न की। अंदर जितने विकार होंगे, विकार कुछ भी कह लो, विकार है क्या? जिस भाव के आने पर, चाहे उसको चिंतन कह लो, मन में जिस चिंतन के, जिस भाव के आने पर मन उत्तेजित हो जाए, व्याकुल, अपने में ना रह पाए, वो सारा चिंतन, वो सारा भाव विकार है। अब ऐसे कौन कौन से चिंतन होता है, कौन कौन सा भाव होता है, जब आप या हम अपने आप में नहीं रह पाते, सारा चित्त आंदोलित, सारी इंद्रियां आंदोलित, सब कुछ अव्यवस्थित, वही विकार है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन कौन ऐसा हो सकता है, सोच ले, जिसके सोचने से हमारी शांति नष्ट हो जाए, वो विकार। अब यही दुख का कारण। तो विकारी मन यमराज बना था, तो जीवन में दुख हुआ था। अब वो मन निर्विकार हो गया, तो मन राम बन गए, राम बन गए तो दुख खत्म हो गया। अब तो सुख में ही विश्राम हो रहा है। यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख किए विश्राम। अब दुख खत्म। जो कुछ साधक होगा, कहीं कभी किसी मत पंथ का सच्चा साधक, उसके मन में दुख नहीं होगा। शरीर में भले दुख हो सकता है, रोग आ गया तो पीड़ा होगी। एक बात और समझ लेना होगा, दुख मन में होता है, दर्द शरीर में होता है, कष्ट शरीर में होता है, पीड़ा शरीर में होती है, दुख नहीं होता, दुख मन में होता है। दर्द होते हुए भी दुख नहीं होगा, दर्द होते हुए भी प्रसन्नता होगी, सुख होगा, आनंद होगा। और दर्द नहीं है शरीर में, फिर भी मन दुखी हो सकता है। तो दर्द अलग है, कष्ट अलग है, और दुख बिल्कुल अलग है। दर्द और कष्ट शरीर में होता है, दुख मन में होता है। अक्सर मैं एक उदाहरण से बात को समझाया जाता है। जैसे एक दुकानदार सुबह दुकान खोलता है 9 बजे, संयोग ऐसा कि दुकान की बराबर सफाई भी नहीं हो रही है, हुई है, ग्राहकों की लाइन लग गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ग्राहक आते गए। दुकानदार ग्राहकों से सौदा लेता है, सौदा बेचता है, पैसा सब कुछ करता है, लगातार लाइन लगी हुई है, और 9 बजे से खड़े खड़े ग्राहकों से बात करते, पैसा लेते, खड़े खड़े 2 बज गए, 3 बज गए, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी, घर से टिफिन भी आया है, लेकिन सोचता है आधा घंटा जी खाने में लगाऊंगा तो 10 ग्राहक लौट जाएंगे, बाद में खा लूंगा। खड़े खड़े पैर में दर्द हो रहा है, पेट में भूख लगी हुई है, लेकिन ग्राहक है, सोचता है ग्राहक को लौटाना नहीं है। 5 बज गए, खाया पिया नहीं, खड़े खड़े पैरों में दर्द, लेकिन कहेंगे क्या, हे भगवान रोज ऐसी कृपा करना, कोई बहुत मुनाफा हो रहा है ना, दर्द तो हो रहा है, दुख थोड़े हो रहा है। तो शरीर में दर्द होगा, कष्ट होगा, दुख नहीं होता है, दुख मन में होता है। जब चिंतन गलत हो जाता है तब, तो यमराज
राम बन गए, इसलिए दुख खत्म होकर के अब सुख में विश्राम होने लगा। बैरी उलट भये हैं मीता, साकट उलट सुजन भये सीता। अब बैरी उलट करके मित्र बन गए, बाहर भी स्थिति होती है भीतर भी स्थिति होती है। यदि आदमी अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपने कर्म आचरण व्यवहार सबको बदल दे तो बाहर के लोग भी उससे शत्रुता करना, बैर करना छोड़ देते हैं। शत्रु, बाहर के शत्रु भी सोचते भाई अब ये आदमी बदल गया, कुछ नहीं करना है इसके साथ। तो बाहर के लोग पहले शत्रुता का व्यवहार करते थे ना, विरोध करते थे, अपना न्याय नीति का रास्ता न छोड़ो और अपने शत्रु के साथ भी गलत व्यवहार न करो, उसके लिए गलत बात न करो, उसकी निंदा बुराई न करो, तो बाहर के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं समय आने पर। बस अपना व्यवहार बदलने की आवश्यकता है, अपने बातचीत रहन सहन सबको बदलने की आवश्यकता है। लेकिन असली शत्रु बाहर नहीं है, जिस शत्रु की बात यहाँ साहब कहते हैं वो भीतर है। और कौन, जिसकी बात आ चुकी है, हमारे ही गलत व्यवहार, हमारे दोष दुर्गुण दुराचरण, ये हमारे शत्रु हैं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले गली गली कर फैल। ये कबीर साहब की साखी है। साहब कहते हैं कि बाहर तुम्हारा बैरी दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारी जो फैल है, तुम्हारी जो बुराइयां हैं, ये तुम्हारे शत्रु हैं। अपनी बुराइयों को मिटा दो तो गली गली में घूमो, कौन तुम्हें रोकने वाला है। हमारा स्वभाव गलत, हमारा व्यवहार गलत, हमारी वाणी गलत, कहीं चले जाएं शत्रुओं की, दुश्मनों की, विरोधियों की कमी नहीं होगी। गलत स्वभाव से आदमी हर जगह अपना विरोधी बना लेगा। स्वभाव सुंदर है, व्यवहार सुंदर है, रहन सहन सुंदर है, बातचीत सुंदर है, उलझता नहीं कहीं, तो ऐसे स्वभाव से आदमी कहीं भी चला जाए उसे मित्रों और सहयोगियों की कमी नहीं होगी। तो बैरी उलट भये हैं मीता, जीवन से दो दुर्गुण खत्म, चूंकि यमराज राम बन गया है, गलत व्यवहार खत्म, गलत कर्म खत्म, तो बैरी कौन रह गया। बैरी बाहर नहीं है, बैरी भीतर। उसने अपने घर के शत्रुओं को, अर्थात अपने बुरे कर्मों को, बुरे विचारों को बदल लिया, फिर उसका शत्रु कौन, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। उसके बाहर के शत्रु भी उसके सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए बाहर के शत्रुओं को मारने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है भीतर के शत्रुओं को खत्म करने की। और खत्म करना क्या है, उसको भी बदल देना है बस। दोषों का त्याग करना, यही उसको मारना है, बदलना है, त्याग बस। साकट उलट सुजन भय चीता, साकट निगुरा, जो साकट है दुर्जन वो भी बदल करके सुजन हो गए, सज्जन बन गए। साकट प्रायः कहा जाता है
जो निगुरा है, जिसने किसी गुरु से कोई दीक्षा नहीं ली है, कोई कंठी माला नामदान नहीं लिया है, उसे निगुरा का साकट कहा जाता है। लेकिन यह बहुत स्थूल अर्थ है। साहब ने भी अपने वाणियों में कहा है, वैष्णव यदि एक भी मिले पर्याप्त है, साकर 100 मिले तो कोई उसके संग छोड़ देना चाहिए, साकर 7 नहीं दे सकता। कई जगह कई साखियों में साहब ने इस ढंग के बातें कही। वैष्णव की झोपड़ी भली नहीं साकट को गांव, ये साहब की साखी। वैष्णवों की झोपड़ी में रहना अच्छा है, साकटों के गांव में रहना अच्छा नहीं है। तो वैष्णव और साकट है कौन? वैष्णव का सरल अर्थ होता है विष्णु की उपासना करने वाला, जो विष्णु को इष्ट मानता, विष्णु की पूजा करता है, उसे वैष्णव कहा जाता है। वैसे राम कृष्ण विष्णु, इनको उपासना करने वाले वैष्णव हैं। शिव को उपासना करने वाले शैव हैं। शिव उपासकों को शैव वैष्णव नहीं कहा जाता, उन्हें शैव कहा जाता है। लेकिन यहां वैष्णव करता है भक्त और साकट करता है अभक्त। जिसका खान पान गलत है, जिसके कर्म आचरण गलत है, जिसका रहन सहन अगर सब कुछ गलत है, मलिनता से भरा हुआ, वो साकट है। दीक्षा लिया है तो, नहीं लिया है तो। दीक्षा ले, किसी गुरु से दीक्षा लेने मात्र से काम नहीं बदलने वाला है। जब तक मन नहीं बदलेगा, व्यवहार नहीं बदलेगा, खान पान नहीं बदलेगा। और वैष्णव कौन? जिसका सब कुछ साक पाक है, चाहे वो दीक्षा लिया हो तो, न लिया हो तो। वैसे वैष्णव का अर्थ यही होता है शाकाहारी, किसी गुरु से जुड़े हुआ। बिहार में जाकर देखो महाराज, हम लोग वैष्णव हैं, मतलब शाकाहारी हैं, किसी गुरु से दीक्षा ले चुके हैं, वो वैष्णव हैं। वैष्णव का अर्थ ही होता है गुरु भक्त और शाकाहारी सदाचारी। तो यहां से आप जो कहते हैं, साकट उलट सुजन भय चीता, साकट निगुरा दुर्जन उलट करके अब सज्जन बन गए। अपना व्यवहार से बदलता है, दूसरे व्यवहार को बदला नहीं जा सकता है। अपना व्यवहार सही रखे तो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता चला जाएगा। दूसरों को बदलने के लिए पहले अपने को बदलना होता है, और जिसने अपने को बदल लिया फिर वो उसके व्यवहार आचरण से सब लोग बदलते हैं। कितने कितने ऐसे हुए हैं जो महाविरोधी रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति एकदम सज्जन सा, फिर वही विरोधी उसके सहयोगी बन गए। ये नियम होता है, सच्चाई के रास्ते पर चलो तो कुछ लोग पहले निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ना छोड़ो तब वही लोग सहयोगी बन जाते हैं। इतिहास में भी ये देखा जाता है, वो आज भी देखा जाता है। तो बैरी उलट सुजन भय चीता, बैरी उलट भय हैं मीता, साकट उलट सुजन भय चीता। अब वही सर्व कुशल करी मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। अब मैं सर्व कुशल कर, अब मेरे लिए सब तरफ कुशल मंगल है। जब मन ही बढ़िया है, स्वभाव बढ़िया, आचरण बढ़िया है, किसी के लिए गलत भाव नहीं है, गलत व्यवहार नहीं है, तो जहां जाओ वहां कुशल मंगल। जिसने अपने आप को पूरी तरह से शोध लिया है, मांज लिया है, परमार्जित कर लिया,
उसके लिए अकुशलता कहाँ रह गई? हर समय उसके लिए कुशल मंगल, हर जगह कुशल मंगल। ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, ऐसे जो साधक हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, उसके लिए हर समय कुशल मंगल, हर जगह। सभी भूमि बनारसी सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जागट प्रगट होए। जो आत्मा राम में रमने वाले निर्मल जीवन के जो संत हैं, उसके लिए हर हर जगह की भूमि बनारस की भूमि है। और उसके लिए कहीं का भी पानी हो, गंगा का पानी है। तो उसके लिए साहब कहते हैं, अब वही सर्व कुशल करे मानिया। अब मेरे लिए हर तरफ, ऐसे साधक के लिए हर तरफ कुशल मंगल है। शांति भई जब गोविंद जानिया, जब गोविंद को पहचान लिया, तब जीवन में शांति आ गई। ये गोविंद कौन है? गोविंद का सीधा अर्थ होता है कृष्ण। लेकिन कबीर साहब श्री कृष्ण को अपना उपास्य नहीं मानते, कई जगह खंडन कर देते हैं। और खंडन ही किया ज्यादातर। तब यहां गोविंद का प्रयोग क्यों किया, कहा क्यों किया गया, गोविंद क्यों कहा गया? एक सहज भाव मेल मिलाप की धारणा से कबीर साहब ने वैष्णव परंपरा में प्रचलित अनेक शब्दों का प्रयोग अपनी वाणियों में किया है। सारंग पानी, गोपाल, हरि, राम, गोविंद, या और ऐसे कई शब्द हैं। लेकिन जब विधि परक अर्थ होता है, सकारात्मक अर्थ, तो सब जगह उन शब्दों का प्रयोग साहब अंतरात्मा के लिए करते हैं, अपने लिए। तो कबीर साहब को गोविंद, हरि, सारंग पानी, राम अंतरात्मा है। तो शांति भई जब गोविंद जानिया, साहब कहते हैं जब अपने आप को जान लिया, गोविंद वास्तविक परमात्मा को पहचान लिया, कि जो जिस परमात्मा को हम खोज रहे हैं बाहर, वो बाहर नहीं है, भीतर ही है, अपना आपा ही, अपना अस्तित्व ही है। चूंकि परमात्मा खोया ही नहीं है, उसे खोजना भी नहीं है, खोज कर मिलने वाली चीज माया होती है। और जो कभी खोता ही नहीं है वो परमात्मा होता है, ऐसा जान लिया। क्या हमारा अपना आपा कभी खोया? अब खोया ही नहीं तो मिलेगा क्या? एक बात याद रखनी होगी, दुनिया में हर चीज खो सकती है, परमात्मा नहीं खो सकता। वो परमात्मा आपका अस्तित्व है, आपका होना है। कभी लगा आपको कि मैं खो गया हूं? आप तो है ही, परमात्मा को खोजने वाला भी आप हो। आप ही ना हो तो परमात्मा को बाहर कौन खोजेगा? पहले आप होते हैं, तब अपने लिए आप परमात्मा को खोजते हैं। तो आप तो है ही, उसे पाना क्या है? मिला मिलाया है, स्मरण कर लेना है बस। विस्मरण है, विस्मरण का स्मरण हो जाना, यही पा लेना है। तो शांति भई जब गोविंद जानिया का अर्थ है, जब गोविंद को पहचान लिया कि जिसे मैं खोज रहा था बाहर, वो तो मैं ही हूं, मेरा ही अपना आपा है, स्मरण में आ गया,
तो अशांति मिट गई, जीवन में कहो शांत शांत शांति रह गई। अशांति का कारण ही खत्म हो गया। तो अशांति कब तक थी? जब तक किसी चीज को पाने के लिए मन में व्याकुलता थी। चाहे कोई चीज हो, किसी भी चीज को पाने के लिए मन में व्याकुलता है तब तक अशांति है, और व्याकुलता खत्म हुई अशांति खत्म हो गई। जितनी व्याकुलता उतनी अशांति, और जितनी व्याकुलता खत्म उतनी अशांति खत्म। परमात्मा को अपने से अलग मान रहे थे, अलग मान करके खोद रहे थे, व्याकुल होकर भटक रहे थे। गुरु मिले, गुरु को उपदेश मिला, विवेक जागृत हुआ, बात समझ में आ गई कि परमात्मा तो खोया ही नहीं था, खोदना क्या है, वो तो मिला ही है, प्राप्त ही है, घट में ही विराजमान है। व्याकुलता खत्म, व्याकुलता खत्म, शांति रह गई शेष। शांति पहले से थी, व्याकुलता के कारण से दबी हुई थी। व्याकुलता खत्म हुई, शांति थी पर शांति आ गई। बस मिली कहां शांति की, आपकी शांति भी थोड़ी खोई हुई थी, वो तो थी ही पहले से, भूली हुई थी, विस्मृत थी, व्याकुलता के कारण, चाहना के कारण। चाहना मिटी, व्याकुलता मिटी, व्याकुलता मिटी, शेष क्या रह गई? शांति रह गई। न परमात्मा पाना है, न शांति पाना है। अपने को पहचान कर अपने आप रह गए, शांति हो गई। बस आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। जब अपने आप को अपने आप में पहचान लिया गया, तब अब कोई रोग नहीं रह गया मन में, और न ये जो तीन ताप के दुख है, ये तापों का दुख रह गया। रोग न व्यापे तीनों ताप, तीनों ताप का जो रोग है वो व्याप्ता नहीं, खत्म हो गया। अपने आप को पहचानना बड़ी बात है। सबको पहचानने वाला अपने आप को नहीं पहचानता है, यही तो गड़बड़ी है अध्यात्म की। पूछो लोगों से, ईश्वर कौन, परमात्मा कौन, ब्रह्म कौन, तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची एक से एक बढ़िया से बढ़िया व्याख्या करेंगे। लेकिन पूछो आप कि आप कौन, कहिए तो पता नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब आप कुछ भी नहीं हैं तो परमात्मा किसको चाहिए? पहले आप कुछ हैं, तब आपको परमात्मा की आवश्यकता है। अपने को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। किसी पूछो तुम कौन, तो नाम बताएगा, जाति बताएगा, पेशा बताएगा, मैं कौन हूं नहीं बताएगा। क्योंकि आदमी सबको गिनता है। गलती कहां होती है? यदि हम शुरुआत अपनी ओर से करें ना, तो गलती नहीं होगी, भटके नहीं है। गलती होती है हम शुरुआत दूसरों से करते, ईश्वर से, ब्रह्म से, परमात्मा से, खुदा से, गार्ड से, देवी से, देवता से, इससे उससे, सबसे शुरुआत करते हैं और अपने को छोड़ देते हैं। गलती इससे होती है। वही कहानी याद करो, कहानी समझाने के लिए। एक नदी थी, नदी की इस तरफ एक गांव, नदी के उस तरफ
एक मंदिर संतों का आश्रम, वो आश्रम में समय समय से सत्संग कथा का आयोजन होता रहता था। तो एक बार नदी के इस तरफ के गांव के कुछ युवकों ने कहा कि हम लोगों को भी वहां चलना चाहिए और वहां जाकर संतों के साथ रह करके सत्संग कथा सुनना चाहिए। 10 युवक तैयार हुए, नाव नहीं थी, नदी गहरी थी, धारा तेज थी, तैर करके पार हुए दसों। जब तैर कर पार हो गए, कपड़े पहन लिए, तब कहा, देखो भाई, हम 10 लोग चले थे वहां से, तैर करके पार हुए हैं, जरा गिन तो लो कि दसों दसों तैर कर पार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कहीं कोई बह तो नहीं गया है। कहा हाँ हाँ ठीक है, गोल बैठे, गिनना शुरू किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अरे तो 9 है, एक गायब है। दूसरे ने गिना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही है। एक के बाद एक सभी गिनने लगे, 9। कहा चले तो थे 10, दिखे लेकिन बहा कौन, डूबा कौन, ये भी पता नहीं रहा। गिनते थे 9, चले थे 10, और सब गिनते थे 9, 9 है लेकिन कौन बह गया। अब ये बड़ी समस्या आ गई, ये पता नहीं चल रहा है कि कौन बह गया, और सब बड़े उदास दुखी। अभी गांव में लौट कर जाएंगे, बताएंगे कि एक आदमी बह गया है, पूछेगी कौन बह गया, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन बह गया 10 में से। बहुत दुखी उदास सब बैठ गए। संयोग से उसी रास्ते से एक विवेकी संत आए, देखा कि ये युवक बड़े उदास दुखी बैठे हुए हैं, पता नहीं कि इनको किस दुख है। पूछे क्यों भाई तुम लोग बहुत उदास दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या समस्या है। अरे मेरा भयंकर समस्या आ गई है। ये क्या, हम लोग 10 लोग नदी से पार किए, एक आदमी हम में से बह गया लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन बह गया है। महात्मा ने कहा देखा यहां तो 10 बैठे हुए हैं, अच्छा मेरे सामने तो गिनो। गिने, अच्छा एक जन गिना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही तो है, और तुम हार महाराज, बस मिल गया महाराज, मिल गया। सबको गिनते थे अपने को छोड़ करके, ऐसे हम भी हैं। ईश्वर को जानेंगे, ब्रह्म को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, स्वर्ग नरक जानेंगे, वेद पुराण जानेंगे, अपने को नहीं जानना है बस। यही तो संकट है अध्यात्म के मार्ग में। साहब कहते हैं आप पिछाने आपे आप, अपने आप को जो अपने आप में पहचान लिया, घूम अपनी ओर दृष्टि लौटाई, पहचानना नहीं है। दृष्टि जो बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख करना है बस, कुछ करना नहीं है। मैंने इस सत्र शुरुआत में एक उपनिषद का मंत्र कहा था ना, परांच खानी व्यतन स्वयंभू तस्मात परांच पश्चत न अंतरात्मन, कश्चित धीर प्रत्यज्ञातमान में क्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। परांच खानी व्यतन स्वयंभू, स्वयंभू प्रकृति ने इंद्रियों को परांच बाहर की ओर खोल करके रखा है। आंख बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, नाक बाहर सूंघती है, जीभ बाहर रख लेती है, जीव त्वचा बाहर को छूती है, मन बाहर को सोचता है। तस्मात परांच पश्यत, इसलिए इंद्रियां बाहर को देखती है, न अंतरात्मन, अंतरात्मा को अपने को नहीं देखती। कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मान इच्छन, कश्चित जो कि धीर वीर जो पुरुष है वो करता क्या है, आवृत चक्षु, आंख को बंद करके, क्यों, अमृतत्वम इच्छन, अमरता पाने के लिए
अपने को जानने के लिए जब इंद्र बंद कर देता है तब, तो जब हम समेटते हैं अपने आप को, अपनी ओर दृष्टि अपनी ओर लौटता है। इसी के लिए कहा गया है, प्रतिबोध विद्यते मतम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध, बोध और प्रतिबोध। प्रतिबोध मतलब अपने को जानना। सामने दीवाल, ये दीवाल है, ये पंखा है, ये बल्ब है, ये घड़ी है, इनको जानना क्या है? बोध है। लेकिन प्रश्न यह है, दीवाल को दीवाल जान रही है या दीवाल को मैं जान रहा हूं? दीवाल को दीवाल नहीं जान रही है, दीवाल को मैं जानता हूं। पंखा को पंखा नहीं जान रहा है, पंखा जानने वाला मैं हूं। तो उधर लौटकर अपनी ओर आ जाना, यह प्रतिबोध है। अब प्रतिबोध से ही अपने आप की पहचान होती है। तो आप पिछाने आपे आप, जब दृष्टि अपनी ओर लौट आती है तब हम अपने को पहचानते हैं। फिर जब अपने को पहचान लिया, सारा रोग खत्म, फिर तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों ताप से छुटकारा मिले, का जो दुख है छुटकारा मिल गया। दैहिक ताप, शरीर में उत्पन्न होने वाले जितने भी रोग हैं, देह से उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये दैहिक ताप है, छोटे बड़े जितने भी हैं। इसके अलावा काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष जो मनोविकार हैं, ये भी शरीर से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शरीर है तो मन है, बिना शरीर के मन कहाँ रहेगा। तो शरीर में उत्पन्न हुए जितने भी रोग हैं वो भी दैहिक हैं, मन के जितने विकार हैं वो भी दैहिक हैं, ऐसे पीड़ा होती है। दैविक, दैव का अर्थ होता है प्राकृतिक, देव मतलब कोई ये देवी देवता नहीं, दैव का अर्थ ही होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक शक्तियों से जोर के आंधी आ गई, तूफान आ गया, खूब जोर की बरसात आ गई, बाढ़ हो गई, एकदम सूखा पड़ गया, आग लग गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फूट पड़ी, पेड़ गिर गए, बिजली गिर गए, कुछ भी हो, पहाड़ गिर गया, ये सब प्राकृतिक प्रकोप, इनसे आदमी को तकलीफ मिलती है। और भौतिक, भूत से मिलने वाला, भूत मतलब प्राणी, एक तो भूत प्रेत तो काल्पनिक है, भूत का अर्थ होता है प्राणी। प्राणियों से, चाहे कीड़े मकोड़े मच्छर सांप बिच्छू आदि जो भी हो, आदमी गाय बैल, मतलब प्राणियों से मिलने वाला जो कष्ट है यह भौतिक ताप है। और इन तीनों तापों से आदमी पीड़ित रहता है। तो आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, साहब कहते हैं जब अपने आप को पहचान लिया, अब पहचान करके अपने आप में स्थित हो गया, तो तीनों तापों से मिलने वाला दुख भी खत्म हो गया। जीवन में रहते रहते पूर्ण जीवन मुक्ति का आनंद, शांति का आनंद हो गया, क्योंकि पहले कह दिया गया है यम ते उलट भये हैं राम। चूंकि यमराज राम बन गया तो फिर अब जीवन का कष्ट समाप्त हो गया। ये कबीर साहब के पद की चार पंक्तियां हैं, आगे पंक्तियां, अभी कुछ और पंक्तियां शेष है, इसमें समय पूरा है, अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनूपम।